नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, नहीं मिला इंसाफ, पुलिस अधीक्षक ने लगाई न्याय की गुहार। आज अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने आए राजेश पुत्र राजकुमार ग्राम पारा खालसा थाना कोतावली हसनपुर। पूछताछ करने पर भानुप्रिया से कहा कि मेरे साथ 17 जनवरी सन 2020 को अमरोहा के ही रहने वाले चार युवकों पुष्पेंद्र, कोविंदर, जयवीर एवं अन्य ने हथियार के बल पर गैंगरेप किया। सूचना मिलने पर पुलिस थाना कोतावली हसनपुर पुलिस ने घटना की जांच की, जिन्होंने अगले ही दिन मुलजिम पुष्पेंद्र को पकड़कर जेल में भेज दिया, परंतु उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लड़के के पिता राजेश ने बताया कि घटना को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन एक आरोपी की गिरफ्तारी ही हो पाई है, बाकी 3 आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना कोतावली हसनपुर में जाते हैं तो पुलिस कह देती है कि जांच चल रही है और मुझ पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। अगर मैं फैसला नहीं करता हूं तो बाकी आरोपी मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझे और मेरे परिवार वालों को बाकी आरोपियों से खतरा है। पीड़ित लड़की ने कहा कि मैं अभी नाबालिग हूं और हमारी कोई सुनवाई थाना कोतावली हसनपुर में नहीं हो रही है, इसलिए आज मैं एएसपी साहब के पास अमरोहा आई हूं और एएसपी साहब से न्याय की अपील करती हूं। ये कप्तान साहब के पास जो अमरोहा आई हैं आप, यहाँ क्या मामला, बताइए पूरी बात। 17 जनवरी में मेरे साथ गैंगरेप हुआ था, उसमें 4 लोग शामिल थे। जी, क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र चौहान, कोविंदर चौहान, जयवीर चौहान और एक अज्ञात लड़का था, उसे मैं जानती रही हूँ। जी, तो उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना हसनपुर में, जी, तो उसमें वो लोग कार्रवाई ठीक से नहीं करते, मतलब दो महीने हो गए, तीसरा महीना चलने को है, हर जगह एप्लीकेशन भी है, मतलब हर जगह हमने DIG IG सब जगह अपने मतलब वो रख दिए, अब मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। एक को जेल भेज दिया, 3 अभी फरार है और उन्हें खतरा भी है। SP सर ने मतलब एक महीना हो गया हमें, जब आए थे SP सर के पास तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर आए, आज फिर एप्लीकेशन दी, हमें तो उम्मीद से ख़त्म सी लग रही है। हर जगह जाके देख लिया, हर जगह इलाहाबाद भी, सब जगह गए। कप्तान साहब के यहाँ आने से पहले आप थाना हो गए? नहीं, वो थाना नहीं गए। अच्छा, पहले गए थे? हाँ, पहले गए थे। कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने आपकी? मतलब सुनवाई ऐसी कार्रवाई ठीक से मतलब कर रहे हैं, पकड़े नहीं उन्होंने। अच्छा, और खतरा भी है हमें, मैं तो घर पर रुकी नहीं रही, मुझे तो बहुत खतरा है। दबाव बना रहे हैं, फैसले का दबाव बना रहे, किसी और को मतलब घर भेज रहे हैं, दूसरे लोग जो उनकी पहचान में। जी, क्या चाहते हैं कप्तान साहब से? वो जेल जाने चाहिए जो लोग फरार हैं। अभी एक गिरफ्तार हुए? अभी अभी एक ही गिरफ्तार हुआ है, वो तभी हो गया था। ठीक हो गई तुम्हारी खबर, तुम मर जाओ यहाँ से।